हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो में मैं दो जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो रेगुलर जॉब अपडेट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे डेली बेसिस पे वीडियो की नोटिफिकेशन जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं दो चीज पे डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला है DNS बैंक, यहाँ पे 31 रिक्रूटमेंट होने वाली है असिस्टेंट मैनेजर की। दूसरी कंपनी है CDSL, आपने सुना ही होगा CDSL बहुत बड़ी कंपनी है, एक डिपॉजिटरी है भारत देश में, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, वेरियस रिक्रूटमेंट। तो हम डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगेन एक बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं DNS बैंक के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 31 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी ग्रेजुएट, यस एनी ग्रेजुएट जिसने साइंस आर्ट्स कॉमर्स इंजीनियरिंग कोई भी बैकग्राउंड से अगर इंजीनियर ग्रेजुएशन किया है तो वो एलिजिबल है। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 28 ईयर्स है, इसके ऊपर परमिटेड नहीं है। और महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग होने वाली है कहीं भी, तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड रीड एंड राइट मराठी लैंग्वेज। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 मई 2022 लास्ट डेट अप्लाई करने की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्जाम के थ्रू होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होगी, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होगा। दो लेवल से एग्जाम की, पहला रिटर्न टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है महाराष्ट्र में। ये बैंकिंग कंपनी है, जिसने ग्रेजुएशन किया है वो एलिजिबल है। मराठी आपको लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, एटलीस्ट चार सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसमें आपके, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 160 मिनट्स की आपकी ये टेस्ट रहने वाली है, जो कि 200 मार्क्स की रहने वाली है। इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू, देन आपका आपका सिलेक्शन। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बैंक है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस करने लायक नहीं है। इसके बाद दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो CDSL एक ये डिपॉजिटरी कंपनी है भारत देश में, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आती रहती है कंटिन्यूअस बेसिस पे। क्या होता है ना, वैकेंसी बहुत होती है मार्केट में, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि इसकी वैकेंसी आई है। तो आज आपके लिए मैं ये बहुत अच्छा जॉब अपडेट लेके आया हूँ। इसमें अलग अलग वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर IAS कंप्लायंस, ऑफिसर इश्यूअर रिकवरी, ऑफिसर इन्वेस्टर ग्रीवांसेस, अकाउंट असिस्टेंट लीगल डिपार्टमेंट एंड असिस्टेंट टू द चीफ बिजनेस ऑपरेशन चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर। तो डिटेल में हम समझ लेते हैं हर एक की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ असिस्टेंट मैनेजर डिप्यूटी मैनेजर कंप्लायंस। एनी ग्रेजुएट, मैक्सिमम एज इज 30 इयर्स और 2 से 8 साल के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड वैकेंसी है ऑफिसर इश्यूअर रिकवरी, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, और अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एज लेस देन 30 इयर्स। इन्वेस्टर ग्रीवांसेस में भी वैकेंसी है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, अप टू 30 इयर्स आपका एज लिमिट है। अकाउंट असिस्टेंट, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या फिर सीए इंटर जिसने किया है वो अकाउंटेंट की जॉब के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज इज 35 इयर्स। अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से, पैसा भी अच्छा देते हैं। लीगल डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर की भी वैकेंसी है, जिसने लॉ किया हुआ है, LLB किया हुआ है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30 इयर्स की मैक्सिमम एज रखी है उन्होंने। और ऑफिसर ऑडिट डिपार्टमेंट भी वैकेंसी है, MBA, CA, CS, CMA, CWA, 1 से 3 साल का आपका ऑडिट रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगी मेरे वीडियो चैनल पे, इस वीडियो की लिंक आप डाउनलोड कीजिए, देखिए। असिस्टेंट टू चीफ बिजनेस ऑपरेशन एंड चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर की यहाँ पे एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी, एज अप टू 30 इयर्स, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर को रिपोर्ट करने वाले हो, कंप्लायंस रिलेटेड पूरा जॉब है। अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी CDSL की, आप वहां पे विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सैलरी के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक दे विल गिव वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। उन्होंने 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फ्रेशर की भी वैकेंसी है, जिन्होंने अकाउंटेंसी का कोर्स किया हुआ है, सीए इंटर किया हुआ, बीकॉम, बीबीए, एमबीए जिन्होंने किया या फिर सीए इंटर किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने LLB किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई जरूर कीजिए। सिलेक्शन होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन अप्लाई ट्राई करना हमारा काम है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।